हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं उमन मार्टिन और मैथ्स प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर एस अग्रवाल क्लास 9 एक्सरसाइज 1 एफ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हुए तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 7√3 -5√2 /√48 +√18 इंटू, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए √48 -√18 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। √48 -√18 इज इक्वल टू 7√3 इंटू √48 -√18 -5√2 इंटू √48 -√18 बाय, डिनोमिनेटर हो जाएगा √48 +√18 इंटू √48 -√18 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा √48 होल स्क्वायर -√18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर लिखने के पहले हम √48 को प्राइम फैक्टर्स में बांट लेते हैं। 48 टू से डिवाइड करते हैं, टू टू जा टू फोर जा टू वन जा टू टू जा टू सिक्स जा टू थ्री जा, वैसे ही √18 को भी प्राइम फैक्टर से बांट लेते हैं। √18 18 टू नाइन जा थ्री थ्री जा, तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 7√3 इंटू √48 को प्राइम फैक्टर का फॉर्म में लिख लेते हैं, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री -7√3 इंटू √18 को भी प्राइम फैक्टर से फॉर्म में लिख लेते हैं, टू इंटू थ्री इंटू थ्री -5√2 इंटू √48 को अगेन प्राइम फैक्टर्स का फॉर्म में लिख लेते हैं, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री -5√2 इंटू √18 को अगेन हम प्राइम फैक्टर्स का फॉर्म में लिख लेते हैं, √2 × 3 × 3 बाय, √48 का स्क्वायर हो गया 48 -√18 का स्क्वायर हो गया 18। पेयर अप कर लेते हैं, ये 3 और ये 3 एक पेयर हो गया, ये दोनों 2 एक पेयर और ये दोनों 2 एक पेयर, वैसे ही यहाँ पर भी 3 और 3 एक पेयर, यहाँ पर भी 2 और 2 एक पेयर, ये दोनों 2 एक पेयर, यहाँ पर भी ये 2 और ये 2 एक पेयर, ये 3 और ये 3 एक पेयर। तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 7 इंटू, यहाँ 3 का एक पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू ये 2 और 2 का पेयर में से 2 इंटू 2,
माइनस सेवन इंटू, ये थ्री के पेयर में से एक थ्री बाहर आ गया, थ्री इंटू रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स माइनस फाइव इंटू, हर एक पेयर से एक एक टू बाहर आएगा, टू इंटू टू इंटू टू रूट रूट टू एंड रूट थ्री रूट सिक्स हो गया मल्टीप्लाई करके, प्लस फाइव इंटू टू, और टू का पेयर से निकलेगा एक टू इंटू, ये थ्री इंटू थ्री का पेयर से एक थ्री बाहर निकलेगा, बाय डिनोमिनेटर 48 - 18 इक्वल टू 30 इक्वल टू 7 इंटू थ्री इंटू टू इंटू टू इक्वल टू 84 माइनस 7 3 जै 21 रूट सिक्स माइनस 5 2 जै 10 10 टू जै 20 रूट सिक्स प्लस 5 2 जै 10 10 थ्री जै 30 बाय 30 इज इक्वल टू 84 प्लस 30 इज इक्वल टू 114 माइनस 21 रूट सिक्स एंड माइनस 20 रूट सिक्स इज इक्वल टू माइनस 41 रूट सिक्स बाय 30, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रूट सिक्स माइनस रूट फाइव बाय थ्री रूट फाइव माइनस टू रूट सिक्स, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा टू रूट सिक्स माइनस रूट फाइव बाय थ्री रूट फाइव माइनस टू रूट सिक्स इंटू, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, थ्री रूट फाइव प्लस टू रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही, थ्री रूट फाइव प्लस टू रूट सिक्स इज इक्वल टू टू रूट सिक्स इंटू थ्री रूट फाइव प्लस टू रूट सिक्स माइनस रूट फाइव इंटू थ्री रूट फाइव प्लस टू रूट सिक्स बाय डिनोमिनेटर हो जाएगा थ्री रूट फाइव माइनस टू रूट सिक्स इंटू थ्री रूट फाइव प्लस टू रूट सिक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है तो उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो जाएगा, थ्री रूट फाइव होल स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू रूट सिक्स इंटू थ्री रूट फाइव प्लस टू रूट सिक्स इंटू टू रूट सिक्स माइनस रूट फाइव इंटू थ्री रूट फाइव प्लस इंटू माइनस माइनस रूट फाइव इंटू टू रूट सिक्स बाय थ्री रूट फाइव होल स्क्वायर का हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन इंटू फाइव, रूट फाइव का स्क्वायर हो गया फाइव माइनस टू का स्क्वायर हो गया फोर इंटू रूट सिक्स का स्क्वायर हो गया सिक्स इज इक्वल टू टू थ्री जस सिक्स रूट सिक्स इंटू रूट फाइव 30 प्लस टू टू जो फोर इंटू रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स सिक्स माइनस रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव इंटू थ्री माइनस टू रूट फाइव इंटू रूट सिक्स रूट 30 बाय नाइन फाइव जो 45 माइनस फोर सिक्स जो 24 इज इक्वल टू सिक्स रूट 30 प्लस फोर सिक्स जै 24 माइनस थ्री फाइव जै 15 माइनस टू रूट
30 बाय 45 माइनस 24 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 6 रूट 30 माइनस 2 रूट 30 इज इक्वल टू 4 रूट 30 प्लस 24 एंड माइनस 15 इज इक्वल टू प्लस 9 बाय 21 ये हमारा आंसर है। ठीक है।